सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल ASK राइडर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राइड के लिए एकदम मस्त चीज, एकदम मस्त TVS जुपिटर ZX। दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये बिल्कुल नई नेवी ब्लू कलर है, ये नेवी ब्लू कलर। और जुपिटर में कुछ और नई चीज़ें आई हैं, लेकिन ये BS6 है और ये अभी 3-4 दिन पहले ही परचेज़ की गई है। छोटी मोटी एसेसरीज ज़रूर TVS ने लगा के दी हैं, या मेरे भाई ने बाहर से लगवाई हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है देखने में, एकदम कलर जो है ना वो आँखों को मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा कलर है ये। ये देखो, हालांकि नई भी आ गई है, लेकिन मुझे ये जितनी अच्छी लग रही है ना इस टाइम पे, वो उन्होंने जो टैंक आगे दिया है वो आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ये ज़्यादा बेटर लग रही है। अभी इसके बारे में बात करते हैं, तो सीधा मिलवाता हूँ इसके ऑनर से आपको, जिसने ये परचेज़ की है, और उनसे बात करते हैं कि भाई उन्होंने जुपिटर ZX ही क्यों ली। मेरा जो हमेशा सवाल होता है, कहीं भाई आपने ली तो क्यों ली, भाई किस वजह से ली, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई ये भी चीज़ें, फीचर्स या इस तरह की सोच हम लोगों की भी हो सकती है कि हम भी ये ख़रीदना चाहें। तो इस वजह से दिखाते हैं, अभी मिलवाते हैं आपको इसके ऑनर जुपिटर ZX के। तो ये हैं मेरे मित्र भाई, और बहुत सी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हम बचपन के ही दोस्त हैं, और अब इन्होंने ये जुपिटर ZX खरीदी है, तो इनसे करते हैं बात कि इन्होंने क्यों ली है जुपिटर ZX। तो विजय जी बताइए हमारे श्रोताओं को कि आपने किस वजह से जुपिटर ZX खरीदने का फैसला लिया। फोन आ गया भाई का। मैं 2-3 महीने से पहले तो R&D कर रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओ वाह वाह वाह, कि कौन सा स्कूटी सही रहेगा मेरे एज पर माई कन्वीनियंस, कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम, किस तरीके से चीज हम यूज कर सकते हैं। पहले मेरा 99% मन था कि मैं होंडा एक्टिवा 60, जैसा कि मैं सोच रहा था। लास्ट 3 मंथ्स बिफोर गया भी था वहाँ पे, उनसे मैंने बात करी, सारा कुछ किया। उस टाइम तक ZX मुझे उस TVS के शोरूम में नहीं दिखी। फिर मैं TVS पहले वहाँ गया, उनसे मैंने बात करी, तो मुझे एलॉय व्हील वो नहीं दे रहे थे। इसकी अभी टोटल कॉस्टिंग आ रही है, इट्स अराउंड 87,000 कैश में, ऑन रोड प्राइस कैश में। ओके, तो आपने ये कैश में परचेज की है? नहीं, मैंने तो फाइनेंस करवाया, 50-50 करके फाइनेंस करवाया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो फाइनेंस की क्या कुछ स्कीम से कुछ थोड़ा बहुत बता दो यार। मैं फिलहाल पहले अभी इसके बारे में बताया। ओके, वेरी गुड। स्कीम बता दूंगा और जल्दी ज्यादा वीडियो को खराब, ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं शॉर्ट में सब कुछ बताऊंगा, और आई होप कि सबको समझ में आ जाएगा क्लियरली। इसमें मैंने लिया, इस पे सबसे पहले बेसिकली मुझे मैंने कंपैरिजन किया होंडा एक्टिवा 60 और उसमें एलॉय व्हील का। एलॉय व्हील इसमें मुझे मिल गया, 87,000 की ऑन रोड प्राइस एक्टिवा 60 की भी है, इसकी भी है। इसमें सबसे बड़ी चीज है एलॉय व्हील है, जिसकी वजह से काफी खूबसूरत दिखता है। उसमें अभी भी रिम के सिस्टम आ रहे हैं। उसके अलावा इसमें आपका पावर चार्जिंग है, यहाँ पे अगर कभी आप ट्रेवल करने जा रहे हो, आप आराम से यहाँ से चार्जिंग कर सकते हो इससे। आपका मोबाइल डिस्चार्ज अच्छा है, फीचर जा रहे हो दोस्तों, ये इसमें वो कर सकते हो। ये सारी चीजें इसमें है। साउंड बिल्कुल भी नहीं है इसमें, काफी स्पेसियस है ये। जब आप इसको वो करते हो, इसको जब डाउन करते हो आप, ये डिक्की जब खोलते हैं हम, तो इसमें एक LED लाइट जलती है, काफी ज्यादा स्पेस है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप LED लाइट। एक हेलमेट को रखने के बाद भी आप कुछ चीजें ऐसी है जो अपने सामान डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर सकते हो। आइडली जब मैंने और स्कूटी देखी है, इसमें इतने स्पेस नहीं होते हैं इसके हिसाब से, और काफ़ी वो लगा मुझे ये, तो मैंने इसको परचेस किया। ऊपर से उसमें डिजिटल मीटर भी नहीं है 87,000 में, और आपको मैं दिखाऊं तो इसमें डिजिटल मीटर भी मुझे मिल रहा है। ये सारी ये डिजिटल मीटर का भी कॉम्बिनेशन था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जुपिटर ZX ही लूंगा, क्योंकि ये कलर भी काफी प्यारा था। और सबसे बड़ी बात है, जुपिटर ZX में सिर्फ यही एक कलर है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं ZX में, एक आते हैं डिस्क ब्रेक के साथ, एक आते हैं ड्रम ब्रेक के साथ। ड्रम ब्रेक के साथ ये वाला है,
ऑप्शन। अच्छा अच्छा, आपने ड्रम ब्रेक का ही लिया है। ड्रम ब्रेक का इसलिए ऑप्शन लिया है क्योंकि मैं दिखा दूं आपको ड्रम ब्रेक्स। हाँ, डिस्क है स्कूटी के साथ बहुत बड़ा रिस्क। डिस्क कभी भी स्कूटी के साथ मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। कुछ आप इसके पीछे का कुछ लॉजिक बताना चाहेंगे कि क्यों नहीं लेना चाहिए? एक्चुअली में क्या, इसके टायर होते हैं छोटे और डिस्क में क्या होता है, डिस्क अगर लगते हैं लगाने के क्या होता है कि उसको पूरा चाहिए होता है पावर, जो कि पावर और बैंडविथ रोड के साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। इसीलिए हम अगर डिस्क ना लेके अगर नॉर्मल ब्रेक लेंगे तो वो ज़्यादा सफिशियंट है। डिस्क में से कोई फायदा नहीं है स्कूटी में डिस्क लेंगे। और इसके चार्जेस और आपके 91,000 रुपीस के चार्जेस पड़ रहे थे डिस्क के, और ये पड़ा 87,000 को ऑन रोड पर प्राइस पड़ा मुझे, ठीक है। इसके अलावा मैंने एसेसरीज वगैरह जो भी है ये सब चीज़ें 3,000 रुपीस की थी, वो मुझे सेल्समैन के थ्रू वेव ऑफ मिला। क्या क्या बाहर से लगवाया आपने? बाहर से मैंने ये लगवाया है, ये सेफ्टी गार्ड वगैरह जो है इसके ग्रिल, वो मैंने बाहर से करवाए। अगर आपको मैं सच बताऊं तो मैं ये चीज़ें मैंने बाहर से परचेज करके लगवाई है, मतलब ली टीवीएस से ही है, लेकिन ये कंपनी लगा के नहीं देती है। सिर्फ ये एक चीज की वजह से पूरे स्कूटी में लुक ही चेंज हो गया, लुक ही बदल गया। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये मैंने सर्विस सेंटर से जाके रिक्वेस्ट करी एक बंदे को, आई थिंक ये क्लासिक में होती है, क्लासिक में होती है, इसका क्लासिक का मैं वही देख रहा था। कलर वेरिएंट का ऑप्शन तो दोनों है, क्लासिक में भी कलर वेरिएंट है और इसमें क्लासिक जैसा लुक देने के लिए मैंने इसको लगाया और काफी अच्छा लुक इसका आ रहा है निकल के। अब जहाँ तक मैं फाइनेंस की बात करूँ, जैसा कि आपने पूछा था मेरे से फाइनेंस की बात करूँ, तो फाइनेंस में ये स्कूटी मुझे पड़ी है 12,000 रुपीज एक्स्ट्रा की, क्योंकि 40,000 मैंने डाउन पेमेंट किया है। okay. रेस्ट ऑफ अमाउंट मेरा ईएमआई पे चला गया, 2 साल की किस्त बनाई है, 2500 रुपए की किस्त जाएगी। वाह, वो जो कि इजीली, बिल्कुल इजीली 2500 रुपए तो हम निकाली। बाकी कंपनी क्या क्लेम करती है इसके एवरेज के बारे में क्या? एवरेज कुछ कंपनी क्लेम करती है 50 to 55 50 to 55 50 प्लस, क्योंकि 110 cc है ये। ओके ओके, 110 cc है तो इसमें कंपनी इतना ही क्लेम करती है कि 50+ एवरेज होगा इसका आफ्टर 4th सर्विस। बहुत बढ़िया। बट मैंने अभी चलाया है, मैंने अभी तक इसको ड्राइव किया है, इट्स अराउंड 5 or 6 किलोमीटर। मुझे काफी अच्छी इसकी राइड लगी, एक स्लो पिकअप है। मैंने और भी चीजें देखी थी और यूट्यूब पे भी चेक किया था, तो मुझे लोगों ने बोला था कि पिकअप जो है वो उसका होंडा एक्टिवा 6G का ज्यादा अच्छा है, बट नहीं, पिकअप इसका बहुत अच्छा है। पिकअप तो अभी देख ही लेंगे विजय जी, हम पिकअप के लिए तो मैं अभी इसकी जरूर एक राइड लूंगा। बिल्कुल राइड ले सकते हैं आप, और मैं भी आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी पिकअप करती है ये, और कोई प्रकार की वैसे दिक्कत है नहीं इसमें। और क्योंकि टीवीएस के ब्रांड, टीवीएस की चीजें वैसे अच्छी होती है, और टीवीएस चीज अच्छी है, साथ फीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे देते हैं टीवीएस, लेकिन वो चीजें मुझे होंडा एक्टिवा में नहीं लगा। बेसिक ही चल रहा है सब कुछ एक्टिवा में, मुझे ऐसा लगा बेसिक ही चल रहा है अभी तक उन्होंने कुछ किया। एक बार स्टार्ट करके हम सुनाएं इसका कि भाई इंजन का क्या नॉइस है, एक बार स्टार्ट करेंगे, आप इसे स्टार्ट करो। तो ये देख सकते हो आप, हमने इसे स्टार्ट कर दिया है। स्कूटियों में मुझे तो बहुत मस्त लगी गाइस, आप लोगों भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी जुपिटर ZX। इसकी लाइट दिखा दूं मैं आपको पीछे से, काफ़ी अच्छी लग रही है, और आगे से ये लुक आ रही है इसकी। हालांकि लाइट LED जलने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लाइट में कि कैसी है। अब सभी मोस्टली गाड़ियों में और स्कूटीज़ वगैरह में LED ही आने लग गई हैं। बहुत ही शानदार लग रही है देखने में। और ये देखो, ये कुछ स्पेस भी दे रखा है इन्होंने सामने, कुछ आपको रखना है छोटी मोटी चीजें, स्पेस है कोई सामान रखने के लिए। हाँ, एक हुक दे रखा है यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए, एक यहाँ पे भी दे रखा है, इसमें आप सामान कैरी कर सकते हो। बहुत बढ़िया भाई,
मुझे तो बहुत वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल ASK राइडर को। और गाइज इसी तरह की और नई नई वीडियोस आती रहेंगी। ये है अपने घनिष्ठ मित्र विजय दीनानाथ चौहान। तो गाइज ये इनकी स्कूटी थी और थैंक यू इनको कि इन्होंने भाई इसका वीडियो बनाने के लिए हमें दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ASK राइडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द।